महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसमान में शनिवार देर शाम लोगों को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। मेरे मसीह भाई बहनों, मध्य प्रदेश जगहों पर आग का गोला गिरते हुए देखा गया। काफी लोग घबरा गए, देखकर डर गए। मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले आइए हम उस वीडियो को देखते हैं, आकाश के गोले को गिरते हुए, फिर मैं आपको पूरी अच्छी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसमान में शनिवार देर शाम लोगों को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। आसमान में इस तरह का आग का गोला देखकर हर कोई हैरान रह गया। आसमान में होने वाली इस अजब गजब घटना का वीडियो भी लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में एक अजीब सा आग का गोला तेजी से आसमान से जमीन की ओर आता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक आग का गोला आसमान को चीरते हुए धरती की तरफ बढ़ता है। आसमान में होने वाली इस घटना को देखकर मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ इलाके के लोग थोड़ा परेशान हो गए। लोगों को डर था कि कहीं ये आग का गोला उनके घरों पर न गिर जाए और सब कुछ तबाह न हो जाए। पहली नजर में ये आग का गोला किसी उल्कापिंड की तरह नजर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कई जगह आकाश से आग का गोला गिरते हुए दिखा। मेरे मसीह भाई बहनों, इस समय जो हम लोग जो समय जी रहे हैं, ये सच में एक अंत के दिन का समय हम लोग जी रहे हैं। और ये जो आग की गोला आप गिरते हुए देखे हैं, इस ठीक इसी तरीका से आसमान से आकाश की गोला गिरेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, जो यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रही है, ये सब जो है एक इंडिकेट कर रहा है, हमें इशारा कर रहा है, ये बाइबल के वचन के अनुसार ये सब इशारा कर रहा है कि आने वाला समय बहुत ही खराब होने जा रहा है। जितने ईसाइयों पर, जितने विश्वासियों पर, लोगों पर हमले हो रहे हैं, विश्वासियों पर हमले हो रहे हैं, पास्टर को मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आराधना करने से रोक रहे हैं, तो ये सब परमेश्वर एक इंडिकेट कर रहा है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। जी हाँ, यानी यीशु मसीह जो है वो जल्द ही अब आने वाले हैं। ये सब वीडियो को देखकर आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको डरना है, बस आप अपने आप को ये सब चीज़ों को देखकर तैयार करना है। और तैयार करना है कि इसमें आत्मिकता में, जी हाँ मेरे मसीह भाई, आत्मिकता में जब हम तैयार होंगे तब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोगों को बादलों में उठा लिए जाएंगे। अपने गुनाहों को पापों से अंगीकार कीजिए। अगर अभी भी आप पाप में डूबे हुए हैं तो अंगीकार कीजिए और परमेश्वर के सम्मुख निकट आने की कोशिश कीजिए। मेरे मसीह भाई बहनों, ये जो आपने उल्का पिंड या कुछ आकाश से गिरते हुए ये सब जो आप देखते हैं, ये सब एकमात्र इंडिकेटर है। यही नहीं है, ये इंडिकेटर है कि ऐसा ही होने वाला है आने वाला समय में। मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए समय है रहते हुए कि अपने आप को बदलिए, बुरे विचारों से छोड़े, अपने पापों से फिरे और अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।